रहीकूम दिस इज मोहम्मद तैयार फ्राम इंटरस कम्युनिकेशन आज हम बात करें हैं टेक्निकल एस ई ओ की एस सी ओ से क्या मतलब है एस ई का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और टेक्निकल एस सी ओ का मतलब है टेक्निकल एस सी ओ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि टेक्निकल एस सी ओ रेफर्स टू द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ आर वेबसाइट्स टेक्निकल एलिमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग एंड यूज़र एक्सपीरियंस तो हमने वैसे ही पढ़ा था एस सी ओ की बेसिक वेबसाइट में ई मेल उस में वीडियो में कि तीन तरह की एस होती हैं एक है ऑन पेज एस एक है ऑफ़ पेज एस और एक है टेक्निकल एस तो टेक्निकल एस का मतलब ये है कि आपने ऐसे अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना है कि उसके जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है ताकि लोग जब वो सर्च करें तो आपकी वेबसाइट्स तक पहुँच जाएँ प्रोसेस क्या होता है इसका कि दिस इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग द वेबसाइट्स स्ट्रक्चर एंड नैविगेशन एनशोरिंग इट हैज़ फास्ट पेज लोड स्पीड्स यानी कि उसकी स्पीड अच्छी हो जाए इम्प्रूविंग मोबाइल रिस्पॉन्सिनेस यानी कि मोबाइल पर भी अच्छा इस्तेमाल हो जाए उस वेबसाइट का एंड अदर टेक्निकल ऑप्टिइजेशन दैट कैन हेल्प सर्च इंजनस बेटर क्रॉल एंड इंडेक्स द वेबसाइट्स कंटेंट यानी आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल्स पर भी इजीली खुल जाए और फ़ौन से पहले खुल जाए और फ़ौन से पहले आ जाए और उसके लिए जो आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा उसको कहेंगे टेक्निकल एस टेक्निकल एस ई इस क्रूशल फॉर एंश्योरिंग अ वेबसाइट कंटेंट इज़ डिस्कवरेबल एंड एक्सेबल टू बोथ सर्च इंजनस एंड यूजर्स राइट तो इसका तरीका क्या है कि जी इसमें होता क्या है टेक्निकल एस्सीओ का कि इसमें वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो जाती है स्ट्रक्चर और वेबसाइट आ जाती है साइट मैप आ जाता है रीड डायरेक्ट पेजेस आ जाता है और मोबाइल फ्रेंडली आ जाता है क्योंकि मोबाइल सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं अब अगर आपने टेक्निकल एस कर लिया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बेटर क्रॉलिंग हो जाएगी और बेटर इंडेक्सिंग हो जाएगी ये हमने एस के प्रोसेस में समझा था कि जब आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो पहले वो क्रॉलिंग होती है और बाद में इंडेक्सिंग होती है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन इस वीडियो की क्या है कि वी ट्राई टू लर्न बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट टेक्निकल एस यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तीन तरह के होते हैं एक होता है ऑन पेज ऐसी एक होता है ऑफ़ पेज ऐसी और एक होता है टेक्निकल ऐसी तो टेक्निकल ऐसी की बेसिक चीज़ें हमने आज अंडरस्टैंड की है उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी अपने फीडबैक से ज़रूर आगा कीजिएगा आप सबके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया